भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मंच पर मध्य प्रदेश के सभी धर्म गुरुओं के सामने इस बात की अपील की कि रमजान के पवित्र महीने में शाम 6 बजे से 11 बजे तक रात तक छूट दी जाए ताकि इफ्तार तरावीह और दुआ आसानी के साथ रमजान के पवित्र महीने में अदा की जा सके। कि हमारे यहाँ तो नमाज से पहले वजू करना फर्ज होता है, यानी नमाज जब आदमी पढ़ेगा तो उससे पहले वजू करना फर्ज होता है, यानी हाथ धोना मुंह धोना 3 मरतबा नाक में पानी डाला जाता है, 3 मरतबा नाक में पानी डाला जाता है, 3 मरतबा हाथ धोए जाते हैं, वजू किया जाता है, इसके बाद ही वो मस्जिद में जाता है। और सोशल डिस्टेंस हम करेंगे, लेकिन मैं आपको जितना आपका ये प्रयास है हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन साथ में आपसे क्योंकि इसका पूरा MP जुड़ा हुआ है और आप जैसे जानते हैं मुझसे पूरे MP के तमाम हमारे काजी हजरात और मुसलमान मुझसे रابطہ कर रहे हैं कि आप वजीर आला साहब से ये गुजारिश कीजिए कि रमज़ान के महीने के अंदर ख़ासतौर से कि हमको 6 बजे से लेकर कम से कम 11 बजे तक छूट दी जाए ताकि हमारी अफ्तारी नमाज और तरावी हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वजीर आला साहब हमारे तमाम धर्म गुरु इस बात को गौर करेंगे और हम तमाम साथियों दोबारा से हम ये अपील करना चाहते हैं, पुरजोर अपील करना चाहते हैं कि जो जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको हिदायत दी जा रही है, जो आपको लाइन दी जा रही है, उसको मुकम्मल तौर से उसका पालन करना चाहिए। हमको जर्रा बराबर इसके अंदर कोताही नहीं बरतना चाहिए। जो फिर दोबारा कहता हूँ कि सही